हेलो दोस्तों, जैसे आप उम्मीदें अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मूंग दाल के पकोड़े। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये रात को दाल भिगा के रख दी थी, मूंग की है ये, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसको दाल को डालेंगे ग्राइंडर में। तो देखिए फ्रेंड, मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ सारी दाल, और इसको अच्छे से बारीक करके पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें डाल दी है दाल, और अब इसमें मैं डाल दूंगी एक दो हरी मिर्ची। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और ये डाल दिया इसमें मैंने अदरक का टुकड़ा। अब इसको पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल हमारी पीस चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दाल हमारी पीस के तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको बाइंडिंग करने के लिए इसमें मैं ना थोड़ा सा बेसन डालूंगी, जिससे कि हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से बने। ज़्यादा नहीं डालना, बस दो चम्मच डालना मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक। वैसे हमने पीसते समय भी डाला था अदरक, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और थोड़ा सा प्याज। और इसको मिक्स कर लेते हैं। आपने कभी बनाया मूंग की दाल के ऐसे पकौड़े? नहीं बनाया हो तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक आलू, कच्चा आलू था, उसको मैंने अच्छे से घिस लिया है और पानी में डाल के रखा। देखिए, और इसको इसमें ना मिक्स कर देते हैं। अब आलू को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, दाल हमारी अच्छे से पीस चुकी है। बाहर से आवाज़ आ रही होगी ना, आप इग्नोर करना। तो फ्रेंड देखिए, दाल अच्छे से पीस चुकी है, तो अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक।
थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची कलर के लिए, थोड़ा सी थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर। और अब डाल देंगे इसमें धनिया और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पकौड़े तलने के लिए हमारा जो बैटर है एकदम से तैयार हो गया। तब तक गैस पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा बैटर एकदम रेडी है पकौड़े तलने के लिए और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें छोटे छोटे पकौड़े डाल देती हूँ। अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया ना तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, अच्छे लगते हैं बहुत, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। ये मैंने फुल पे रखी हुई है गैस, इससे क्या होगा पकोड़े जो है ऑयल नहीं सोखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको पलट देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमको इस तरह से लाल करने हैं। ये मैंने सबसे पहले डाला था तेल चेक करने के लिए, तो ये ऐसा बना है, तो ऐसे ही बनाने हैं हमें सारे पकौड़े। तो फ्रेंड्स ये बार बन चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं।
इसी तरीके से ना और बना लेते हैं। इसके लिए ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, अगर मीडियम उस पर बनाओगे ना तो ये ऑयल सोख लेगा। अगर आपके पास और सब्जी हो तो आप और सब्जी भी इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड जब तक ये बन रहे तब तक मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही थी। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे पकौड़े बन के बिल्कुल तैयार हैं। और ये है हरी चटनी, और चटनी है लहसुन वाली, धनिया लहसुन की चटनी है। इसके साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ये पकौड़े। मैं आपको एक पकौड़ा इसमें से तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। तो फ्रेंड आइए, ये प्लेट आपके लिए, ये प्लेट आपके लिए, खाइए गर्मा गर्म पकौड़े लहसुन धनिया की चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।